वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ एडवांस सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको ये रेडीमेड सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप इनकी हेल्प से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ या किसी बड़े के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के वो सेंटेंसेस कौन से हैं, सीखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यदि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो तब हम कैसे सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इस बहुत तेज़ भूख लगने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, उस वर्ड का नाम है ऑफुली। ऑफुली का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लगा हो हमें, या बहुत ज़्यादा हो उस चीज़ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा के लिए हम ऑफुली का यूज़ करते हैं। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है या मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑफुली हंग्री, आई एम ऑफुली हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यदि हमें बोलना हो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो इस सेंटेंस को देखिए, फिर से बहुत ज़्यादा आया ना, तो इसके लिए भी ऑफुली का यूज़ होगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम ऑफुली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑफुली का यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स। यदि हमें बोलना हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम ऑफुली बिजी। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आपके पास, बॉस के पास आपके कोई आता है, तो आप उनसे बोलते हैं कि अभी सर बहुत बिजी हैं। यदि वो बोलते हैं कि मुझे सर से बात करनी है, बॉस से मिलना है, तो आप किस तरह से बोल सकते हैं, अभी सर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो सर इज़ ऑफुली बिजी राइट नाउ, सर इज़ ऑफुली बिजी राइट नाउ, या आप बिजी हैं तो आई एम ऑफुली बिजी राइट नाउ। इस तरह से आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए, यदि हमें, ये होते हैं फ्रेंड्स छोटे छोटे सेंटेंसेस जिन्हें हम डेली लाइफ में हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है हमें इन्हें बोलने में, तो इनको इसलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस ऐसे ही कहीं से भी मैं लाती हूँ इन सेंटेंसेस को, और जब भी मैं देखती हूँ कि इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हमारी हिंदी में यूज़ हो रहे हैं, तो उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो आज हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस आया था मेरे माइंड में, तो मैंने उसको भी बना दिया। जैसे कि आज एक सेंटेंस यूज़ हुआ था, सब्जी में नमक कम है, तो इस तरह से मेरे घर पर एक सेंटेंस यूज़ हुआ था कि सब्ज़ी में नमक कम है, तो इसको किस तरह से बोला जाए इंग्लिश में? तो मैंने यहाँ पर इसकी इंग्लिश लिखी है देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेज, देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेज, सब्जी में नमक कम है, देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेज। वेजिटेबल को हमने यहाँ पर शॉर्ट में वेज कहा है, तो देयर इज़ अ लेस सॉल्ट इन द वेज। नेक्स्ट देखिए, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कभी कभी जब हम डिनर के लिए या लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो हम किस तरह से बोलते हैं कि आज हमारा खाना बाहर है, कि मीन्स हम आज घर पर खाना नहीं खाएंगे, हम आज खाना बाहर खाएंगे, तो हम किस तरह से बोल सकते हैं आज हमारा खाना बाहर है? तो वी विल डाइन आउट टूडे। देखिए, बाहर खाना खाने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है डाइन आउट, डाइन आउट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वी विल डाइन आउट टूडे, वी विल डाइन आउट टूडे। नेक्स्ट देखिए, मुझे इस मामले में मत घसीटो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं इस टाइप के कि हम बोल देते हैं कि यार मुझे इस मामले से दूर रखो, मुझे इस मामले में मत घसीटो, क्योंकि ये मेरे मतलब की बातें नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि इस मामले में मैं पढ़ूँ और आप मुझे इस मामले में घसीटो। तो इस तरह से हम बोल देते हैं कभी कभी, इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस कि यार प्लीज़ मुझे इस मामले में मत घसीट, या मुझे इस मामले में मत घसीटो। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? डोंट ड्रैग मी इनटू इट, डोंट ड्रैग मी इंटू इट, या फिर डोंट ड्रैग मी इंटू दिस मैटर। इट हमने ऐसे ही लगा दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप मैटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट ड्रैग मी इंटू दिस मैटर, या डोंट ड्रैग मी इंटू इट, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे डेली यूजेस बेस पर कुछ सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हर बंदे के मुँह से ही सेंटेंसेस आपको सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको इनकी इंग्लिश नहीं पता होती है, वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने सोचा ये सेंटेंसेस आपको दिए जाएँ, रेडीमेड सेंटेंसेस आपको बनाकर दिए जाएँ, और इनकी हेल्प से आप इनको, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ पुट कमेंट ऑन माई वीडियो।
वी विल सी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू.